चितरंगी जनपद के ग्राम बड़कुल में अर्पणा स्टोन क्रशर संचालित किया जा रहा है। स्टोन क्रशर प्लांट लगाने की जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप संचालित नहीं है। नाले के समीप क्रशर प्लांट लगाया हुआ है जिससे नाले का अस्तित्व भी खतरे में है। प्लांट के चारों तरफ बाउंड्री वॉल नहीं है जिससे आए दिन अप्रिय घटना की स्थिति बनी रहती है। मवेशी बच्चे प्लांट के आसपास घूमते हुए नजर आते हैं जिससे भविष्य में कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। मुख्य सड़क से सटा हुआ है प्लांट जिससे निकलने वाली डस्ट आसपास के पौधों को नुकसान पहुंचा रही है। बाउंड्री वॉल न होने के कारण और प्लांट के बगल में ही खदान में हाई ब्लास्टिंग के कारण आसपास के लोग डरे सहमे रहते हैं। खदान के नाम पर सैकड़ों पेड़ काट दिए गए हैं और पौधों का प्लांटेशन नहीं किया गया। मुख्य सड़क से सटा हुआ एक खदान है। ब्लास्टिंग के समय आसपास के घरों पर पत्थर आ जाते हैं, रोड पर पत्थर आ जाते हैं जिससे कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। जंगल से सटा हुआ कंक्रीट प्लांट है जिससे प्लांट से निकला हुआ डस्ट पौधों को नुकसान पहुंचा रहा है। मीडिया द्वारा जिला दंडाधिकारी का ध्यान आकर्षण कराया गया ताकि भविष्य में कोई अप्रिय घटना ना घटे। कितना नुकसान है हम लोगों का? ये इतना नुकसान है कि ब्लास्टिंग करते हैं, इतनी बड़ी ब्लास्टिंग करते हैं कि हम लोगों के घर तक पत्थर आ जाता है। लड़के बच्चे हमारे लोग घूम रहे हैं और उन लोगों को चोट लग जाएगा तो दवाई भी नहीं। अब ब्लास्टिंग करते हैं, हम लोग जब वहाँ जाते हैं तो फरार हो जाते हैं, मिलते भी नहीं हैं। कहते हैं हम लोग क्या जाने कौन ब्लास्टिंग किया है, तो हम लोग पूछते भाई कौन ब्लास्टिंग किया हम लोगों को बताओ, तो भी वो भी नहीं बताते हैं। हम लोगों को परेशान कर डाले हैं सब, और हम लोगों को अपना दिक्कत देते हैं कि रात दिन भड़ाम 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 एकदम गाड़ी कुदाते हैं, धूल भी उड़ती है, हमारे लोगों का कपड़ा भी गंदा हो जाता है। वो भी कोई निर्मा दे रहा है, साबुन दे रहा है, और हमारे लोग लड़का बच्चा भी परेशान रहते हैं। रात में सोते हैं उसके ऊपर धूल जम जाता है, आँखी काने ने खुदा में उसको धूल पड़ रहा है, वो टंग बीमार होगा, कौन दवाई कराएगा? हम लोग गरीब आदमी कहाँ पैसा पाएंगे दवाई कराएंगे? अच्छा, जहाँ पे खदान है वहाँ तो कम से कम 100 पेड़ से पार पार जो है नुकसान किए हैं। काय के वृक्ष थे वहाँ? वहाँ सीधा तेन और आम का पेड़। तो उसके बदले में कहीं पे पौधा लगाए? कहीं पेड़ नहीं लगाए हैं, वो खाली वो दार भर दिए हैं, वो नुकसान कर दिए हैं, पर उसको सेवा नहीं किए। ये लीज वाली जो खदान है ये गांव में है? गांव में है, चारों तरफ देख लीजिए, जाके मौका करिए, देखिए बीच में खदान है और चारों बगल से घर है। इस संबंध में कभी आप क्रेशर संचालक से बात किए? हम लोग जाए थे तो वहाँ हमारे ब्लास्टिंग करी थी, हम लोग नहीं करो, आदमी भाग जाता है, लुका जाता है, छिपा देते हैं। अभी जब जान चली जाए तो कहे कि वो आदमी फरार हो गया है, उसको ये ब्लास्टिंग करे तो पता ही नहीं है उसको कि कहाँ पर गया। और ये छोटे छोटे बच्चा घर में खेल रहा है, बाजार में खेल रहा है। नाला तो बहु पटवा दिए, वो भी ऐसा नाला पटवा दिया है कि उसका पानी हम लोगों के घर में आने वाला है। तो वो नाला नाला है नहीं तो हमारा पानी कहाँ जाएगा? हम लोग घर धो रहे, कहते हैं इस तरह सोच कर देंगे तुम लोग घर में पानी डाल देंगे, क्या कर सकते हो तुम लोग? जान जिसके पास जाना चाहते हैं, अरे यहाँ के जो मैनेजर है लोग हैं बैठे हैं परिसर में। ये कौन सा, क्या नाम है आपका? हमारा सफेदला साकेत नाम है। ये कौन सा गाँव है? ये गाँव तिकरवान है, टोला कुड़वा। तो वहाँ से पत्थर हमारे नहीं आवत है, और वो पत्थर हम पचे पौड़ा आई, हम पचे अगने घर में है, हम पचे खेते कोलिया में है। अगर वहाँ से ब्लास्टिंग करी तो हल्ला चिल्ला ना करी, सीधे ब्लास्टिंग कर दी, ऐसा ऐसा पत्थर आए कि पूरे पहरी में गिर जाता, उसके आदमी के दिखावा जाता पत्थर कि ऐसा मत ब्लास्टिंग करा करो, ब्लास्टिंग होता जानकारी में। चितरंगी से ओंकार द्विवेदी की रिपोर्ट।